शीश महल, सबसे पहले अभी तक के घटनाक्रम पर आपका रिएक्शन। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ चैनल को, हम जो मीडिया के बारे में कहा जाता है क्या लोकतंत्र स्तंभ है, वो आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि वास्तव में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो मैं चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस बात को रोकते हुए। दूसरा, निश्चित रूप से एक व्यक्ति गाय बनकर आया भेड़िया की खाल में, तो त्रस्त थे लोग भ्रष्टाचार से, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, और लोगों के अंदर जो भ्रष्टाचार के प्रति लोगों में 50-60 साल के रोष था, उस रोष को लेकर लोग जो परेशान थे तो लोगों ने विश्वास किया। ये तो रावण का भी बाप निकला, रावण ने भी अपना भेष बदलकर सीता माता का हरण किया था, ये तो उसका भी गुरु निकला। मैं वो सब कुछ करूंगा जो आज तक कोई लीडर नहीं कर रहा है। मैं कार नहीं लूंगा, मैं कोठी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मेरे दो बच्चों की कसम मैं भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। लालू कैसे कोठी में रहता है और लालू के बेटे के ये मित्र बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को चीट किया गया है, धोखा दिया गया है, वो दुनिया में एक आतंकवादी से भी बड़ा क्राइम है कि किसी के साथ इमोशंस को धोखा देना। हमारी भारत की संस्कृति में वो एक बहुत बड़ा अपराध है। आप इसके जो रफूगर हैं, कभी चड्ढा साहब बोलते हैं, कभी संजय जी बोलते हैं, कभी हेलीकॉप्टर बताते हैं हिमाचल के, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 500 किलोमीटर में है वो 1947 के बाद से हर स्टेट में हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन ये मकान मुख्यमंत्री को अलॉटेड नहीं था। मुख्यमंत्री का मकान है 33 नंबर है शामरात मार्ग। अरे वो अगर खराब होता उसको ठीक कराते। तो इसीलिए ये स्पेशली 6 एकड़ में एक महल तैयार कराया गया। नहीं, साहब एक बात बताइए, मान लीजिए कि उनका ये चॉइस थी कि वो यहाँ जाकर रहेंगे जिस मकान में अभी वो रह रहे हैं, तो वहां भी उनको एंट्री देने के पहले PWD ने, जो संबंधित महकमे हैं, उन्होंने तो ये देखा होगा ना कि रहने के लिए सुरक्षित है कि नहीं है ये घर। बिल्कुल उन्होंने देखा होगा, देखने के बाद ही अलॉटमेंट किया होगा। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जो सरकारी अकोमोडेशन मिला है मुझे दिखाया जाता है। ये इनको जाकर दिखाया गया है, ऐसा नहीं है, इनके रफूगरों को दिखाया गया है कि ये कोठी आपकी, इन्होंने इसको पसंद किया। इनको मालूम था कि जो माचिस खरीदने वाले, जो लोग गरीब बेचारे कपड़ा खरीदने वाले, जो गरीब लोग माता बहने चूड़ी खरीदने वाली, सब जो टैक्स देते पैसा क्यों लगा दिया गया 45 करोड़ रुपए। और अभी मनोज तिवारी ये कह रहे थे कि ये रेनोवेट नहीं हुआ है, ये टूट रेनोवेट हुआ है, टूट कर नहीं बना है, जैसा कि दावा किया जा रहा था। संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टूट कर बना है और उसमें 30 करोड़ रुपए मकान बनाने में, तो 15 करोड़ रुपए क्या उसके रेनोवेशन में खर्च किया गया। बहरहाल यहाँ पर देखिए जरा वो सवाल जो टाइम्स नाउ भारत पूछ रहा है, केजरीवाल जी आपको इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि ये जनता के सवाल है। नव भारत रिपोर्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों जाने अंदर से रोका गया, क्या लोकतंत्र में प्रेस को सवाल पूछने की आजादी नहीं है? नव भारत रिपोर्टर से आपके बाउंसर ने हाथापाई क्यों की, उसको मैन हैंडल क्यों किया गया? अगर हमारी खबर सही है तो क्यों हमारे सवालों को दबाया जा रहा है और हमारे सवालों से बचा जा रहा है, हमारी एंट्री को बैन किया जा रहा है? अगर आप हमारी खबर को गलत मानते हैं तो आप अपने आवाज के दरवाजे खोलकर क्यों नहीं दिखा देते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वहां हमारे कैमरे को एंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और इस बीच ये अहम खबर आ रही है, वो अहम